दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आज भी आप लोग मस्ती होंगे। सो मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ कि 15 अगस्त फोटो एडिटिंग कैसे की जाती है। सो आज हम करने वाले कुछ इस टाइप की एडिटिंग, तो आपको भी सीखना है तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सो चलिए हम लोग अपना एडिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो अपने हम लोग पी कार्ड को ओपन कर लेंगे। सो गाइस, पी कार्ड को ओपन करने के बाद एक बैकग्राउंड को इसमें ओपन कर लेंगे, और बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद हम अपने फिर ऐड फोटो में जाएंगे और अपने एक PNG को ऐड करेंगे, अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। सो गाइस चलिए हम लोग अपने मॉडल का ऐड कर लेते हैं जिसको हम पहले से कट आउट करके रखे हुए हैं। सो गाइस कुछ स्टेप हम इसको ऐड कर लेंगे और एक और PNG को हम ऐड कर लेंगे, गर्ल PNG को ऐड कर लेंगे। सो गाइस ये रहा, इसको हम ऐड कर लेंगे। सो गाइस कुछ स्टेप्स हमें ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद लगा देंगे, ठीक है। सो गाइस कुछ स्टेप्स हमें लगा देना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इस पर क्लिक करना है और नीचे में दिख रहा होगा यहाँ पे क्रॉप का निशान। सो गाइस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करना है और इसको कन्वर्ट कर देना है कुछ स्टेप्स से। कर देने के बाद कुछ अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस देख लीजिए कुछ स्टेप्स एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस कुछ स्टेप्स कर देने के बाद फिर ऊपर में दिख रहा होगा। सो गाइस ऊपर में दिख रहा होगा सही कंडीशन, एक मिनट। सो गाइस ऊपर में दिख रहा होगा सही कंडीशन। सो यहाँ से क्लिक कर देना है इस पर और इसको डन कर देना। सो गाइस जितना हो जाने के बाद फिर से हम लोग चलेंगे ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से हम लोग एक PNG को ऐड कर लेंगे। सो गाइस ये हमारा PNG है, चलिए हम लोग एक तिरंगा PNG को ऐड कर लेते हैं। सो गाइस जिसको हम ऐड कर चुके हैं, इसको कुछ स्टेप्स लगा देना यहाँ पे, और फिर इस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है और इसको कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट करने के लिए नीचे दिख रहा होगा क्रॉप कंडीशन, सो इस पर क्लिक करना है और इसमें रोटेट पे क्लिक करके इसको कुछ स्टेप्स कन्वर्ट कर देना है और इसको साइड में लगा देना है, ठीक है, कुछ स्टेप्स, ठीक है। सो गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देना है, और डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो में जाना है, और ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से हम लोग एक PNG ले लेंगे। सो गाइस देख लीजिए, सो गाइस ये वाले में हम लोग PNG ले चुके हैं, तो इसको इस टाइप से आन लेना, ठीक है। सो गाइस इतना हो जाने के बाद ऊपर में दिख रहा होगा आपको, सो गाइस ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे इरेजर कंडीशन, सो इस पर क्लिक कर लेना है, और नीचे में दिख रहा है इन्वेंट का निशान, सो इस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा रिस्टोर, ठीक है, इस पर क्लिक करके और अपने शर्ट पे अप्लाई कर देना है कुछ स्टेप्स। सो गाइस चलिए हम लोग अपने शर्ट पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो हे गाइज हम लोग कुछ स्टेप्स अप्लाई कर देंगे अपने शर्ट पे, और ऊपर में दिख रहा होगा सही कनेक्शन, सो इस पर क्लिक करके, और नीचे में दिख रहा होगा इसकी ऑपेसिटी। सो गाइज इसकी ऑपेसिटी कुछ स्टेप्स रख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। सो गाइज कुछ स्टेप्स हमें 70 रख लेना है, ठीक है। सो गाइज इतना हो जाने के बाद ऊपर में दिख रहा होगा सही कनेक्शन, सो इस पर क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे फाइनली डन। सो इतना हो जाने के बाद फिर से हम लोग चलेंगे ऐड फोटो में। सो गाइज ऐड फोटो में जाने के बाद हम एक बैलून का PNG ले लेंगे। सो गाइस इसको ले लेने के बाद कुछ स्टेप से इसको लगा देंगे, ठीक है। सो गाइस देख लीजिए हमें कुछ स्टेप से लगा देना है इसको। सो गाइस इतना हो जाने के बाद एक सेकंड, सो गाइस हम लोग कुछ स्टेप से लगा देंगे और यहाँ से ऊपर में दिख रहा होगा सही के निशान, सो इस पर क्लिक करके डन कर देंगे, और डन करने के बाद फिर से हम लोग ऐड बटन में जाकर एक और PNG को ऐड कर लेंगे। सो ये हमारा PNG है, एक में और एक और PNG के दो PNG और एक एक तीन PNG को ऐड कर लेंगे। सो गाइस ऐड करने लेने के बाद इसको इन दोनों को साइड में रखेंगे, इसको कुछ इस टाइप से लगा देना है। सो गाइस यहाँ पे लगा देने के बाद ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करना, इसको डुप्लीकेट कर देना है, और डुप्लीकेट करने के बाद कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। सो गाइस इतना हो जाने के बाद ये वाला हमारा PNG है। सो पहले तो
ये वाले पीएनजी को कुछ स्टेप्स लगा देंगे और इसको भी कुछ स्टेप्स आन लेंगे नीचे, और नीचे में दिख रहा होगा आप ब्लेंडिंग का निशान, सो इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऊपर से कुछ स्टेप्स यहाँ पे छोटा कर देंगे, ठीक है, छोटा करके और कुछ स्टेप्स हमें लगा लेना, ठीक है। सो गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ से कर लेंगे डन। सो गाइस देखिए हमारा फोटो बन चुका है फाइनली, और इसको और लाइटिंग में आने के लिए हम लोग लाइटरूम से कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और इसको सेव करने के लिए दिख रहा होगा ऊपर में यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड का निशान, सो इस पर क्लिक करेंगे और फाइनली हमारा फोटो सेव हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ से डन कर देना। तो फाइनली हमारा फोटो बन चुका है, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, और जितने भी हम PNG को यूज किए हैं सब का सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों का। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।